नमस्कार दोस्तों, अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त कहने वाला संदीप सिंह अब कांस फिल्म फेस्टिवल में मजा ले रहा है, फिरकिया ले रहा है। आप देख सकते हो कि फ्रांस में जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वहां पे संदीप सिंह की फोटो अभी दो दिन पहले निकल के आई है। संदीप सिंह के बारे में कुछ ऐसी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। तो संदीप सिंह का नाम तब निकल के आया था जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था 14 जून 2020 में। अचानक संदीप सिंह उजागर हुए थे माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के बाहर, वो खड़े थे सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरह, वो खुद को बता रहे थे। खुद को सुशांत सिंह का जिगरी बताने वाले संदीप सिंह ने ये भी बताया बाद में कि वो लास्ट 1-1.5 साल से सुशांत सिंह राजपूत से मिले ही नहीं है, उनके बीच कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद वो तुरंत वहां पे आ गए। बहुत सारे लोगों को संदीप सिंह डायरेक्शंस दे रहे थे और संदीप सिंह की ये जो हाव-भाव है ये देखने के बाद सबको ये शक होने लगा कि संदीप सिंह आखिर क्यों इतना कुछ कर रहे हैं, पूरी चीजों में वो इन्वॉल्व्ड है। ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी को कूपर हॉस्पिटल में ले जाने का जो काम है वो संदीप सिंह को सौंपा गया था। तो कौन है ये संदीप सिंह? संदीप सिंह खुद को फिल्म मेकर बोलते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त भी मानते हैं खुद को, और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद संदीप सिंह न्यूज में छाए हुए थे। संदीप सिंह वैसे तो है मुजफ्फरपुर बिहार के, लेकिन उन्होंने मुंबई के मीरा रोड में अपनी फैमिली के साथ अपना बचपन बिताया है। संदीप सिंह ने यह भी बोला है कि बचपन में वो आइसक्रीम बेचते थे मैरीन ड्राइव में और वो ट्यूशंस भी देते थे ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है वो खत्म कर पाए। उसके बाद देखिए संदीप सिंह हो गए प्रोड्यूसर। संदीप सिंह जर्नलिस्ट भी बनना चाहते थे लेकिन बात बनी नहीं और उन्होंने एक रेडियो स्टेशन में भी काम किया है। रेडियो स्टेशन में काम करते करते उन्होंने बॉलीवुड के काफी सारे सेलिब्रिटी के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी और वैसी ही बात हुई थी संजय लीला भंसाली के साथ। संदीप सिंह संजय लीला भंसाली से पहली बार मिले थे 2007 में जब संजय लीला भंसाली की मूवी सावरिया आने वाली थी और उसके बाद से संदीप सिंह संजय लीला भंसाली के खास दोस्त बन गए। संदीप का ये भी कहना है कि भंसाली संदीप सिंह को लेके इतना इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने संदीप सिंह को अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक संजय लीला भंसाली के जैसे डायरेक्टर, जो इतने बड़े दर्जे के डायरेक्टर है, उन्होंने एक रेडियो स्टेशन में काम करने वाले संदीप सिंह को अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। 2015 में संदीप सिंह संजय लीला भंसाली की जो कंपनी है वो उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन जाएंगे और उसके बाद उन्होंने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो। और उसके बाद संदीप सिंह ने कई सारी मूवीज में एज ए प्रोड्यूसर काम किया जैसे अलीगढ़, भूमि, सरबजीत और पीएम नरेंद्र मोदी। 2018 में संदीप सिंह का नाम आया था एक सेक्स स्कैंडल में। जी हाँ दोस्तों, संदीप सिंह के ऊपर ये इल्जाम लगे थे कि उन्होंने एक बच्चे को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया है। ये बात थी मॉरिशियस की, जब संदीप सिंह मॉरिशियस गए थे और वो जो बच्चा लड़का था वो स्विट्जरलैंड का था। संदीप सिंह ने उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया था जिसके चार्जेस भी लगे थे संदीप सिंह के ऊपर। इससे ही पता चलता है कि संदीप सिंह कैसा जलील किस्म का एक इंसान है। लेकिन ताजुब करने वाली बात यह है कि उस केस से भी संदीप सिंह ऐसे निकल गए जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस से। सुशांत सिंह राजपूत केस में संदीप सिंह और अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड थी, इन दोनों की नजदीकियां लेके जब सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का ब्रेकअप हुआ था उसके बाद संदीप सिंह सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे के साथ दिखे गए थे लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं दिखे गए थे। इसका मतलब है कि संदीप सिंह और अंकिता लोखंडे ये दोनों एक तरफ और सुशांत थे दूसरी तरफ। लेकिन इसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की जो अंतिम क्रियाकर्म थे इन सारी चीजों में संदीप सिंह जुड़े हुए थे। सुशांत की जो बहन है मीतू, उनके साथ संदीप सिंह ऐसे चिपके हुए थे कि लग रहा था कि मीतू सिंह को संदीप काफी अरसों से जानते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के फैन। लेकिन सच्चाई इन सारे दिखावों से
कोसों मील दूर है। बॉलीवुड में संदीप सिंह काफी सारे सेलिब्रिटीज के क्लोज है, जैसे संजय दत्त, शाहरुख खान, विवेक ओबेरॉय और अंकिता लोखंडे। संदीप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्यूनरल है उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया था। उनके एक दोस्त है महेश शेट्टी, जो सुशांत के भी दोस्त है और दिल बेचारा के डायरेक्टर है। इन दोनों ने मिलके लास्ट में सुशांत सिंह राजपूत के जो अंतिम क्रियाक्रम थे उन सारी चीजों को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन संदीप सिंह का जो कॉल रिकॉर्ड है उसको जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब देखा कि लास्ट एक साल से संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत में बात नहीं हो रही थी। संदीप सिंह काफी बार दुबई भी गए हैं, जिसपे उंगली उठाए थे सुब्रमण्यम स्वामी। आप देख सकते हो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि सस्पेक्ट संदीप सिंह शुड बी क्वेरीड एज टू हाउ मेनी टाइम्स ही हैज बीन टू दुबई एंड व्हाई। मतलब दुबई में वो कितनी बार आते जाते हैं और क्यों आते जाते हैं, इस चीज में जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है संदीप सिंह अभी फ्री है, उनको लेके कोई भी जांच नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है, संदीप सिंह का किसके साथ इतना ज्यादा बॉन्डिंग है जिन्होंने संदीप सिंह को अभी तक बचा के रखा है, आपको क्या लगता है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि संदीप सिंह के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले सके। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।